इंडेक्स मेडिकल सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अजय जोशी आज से 15 दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद 24 मई को जोधराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार तड़के 3 बजे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले इंदौर में 4 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हो चुकी है, वहीं कोरोना से मरने वालों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अजय जोशी का कोरोना से निधन हुआ है। वो पिछले 15 दिन से कोरोना से पीड़ित थे। हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर जोशी पिछले 2.5 महीने से हमारे हॉस्पिटल की टीम के लीडर थे। उन्होंने कोरोना से जारी जंग में प्रशासन की मदद के लिए सभी को प्रोत्साहित भी किया। व्यक्तिगत तौर पर वे हर मरीज के संपर्क में रहते थे। वे हर मरीज की जरूरतों का ध्यान रखकर उसे पूरा करते थे। पिछले 15 दिन से वे कोरोना से पीड़ित थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज वे कोरोना से जंग हार गए, लेकिन हम कोरोना की इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। हमने डॉक्टर जोशी की लीडरशिप में 700 से ज्यादा कोरोना मरीजों को ठीक करके घर भेजा है। हम उनकी इस लड़ाई में अब पीछे नहीं हटेंगे। अत्यंत दुख के साथ ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय जोशी कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा, पिछले 2.5 महीनों से वो हमारी संस्था के टीम लीडर थे और उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया कोरोना की लड़ाई में प्रशासन की मदद करने के लिए। व्यक्तिगत तौर पर वो हर पेशेंट से कॉन्टैक्ट में रहते थे और पेशेंट्स की सारी आवश्यकताओं और सुविधाओं का उन्होंने ध्यान रखा। पिछले 15 दिन से वो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित थे और अस्पताल में भर्ती थे। आज बहुत ही दुख के साथ ये सूचना मिली है कि वो इस लड़ाई में, कोरोना की जंग में पिछड़ गए, लेकिन हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इंडेक्स ग्रुप, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं देता रहेगा। हमने अभी तक 700 पेशेंट्स को सकुशल डिस्चार्ज किया है। अजय जोशी सर के ही हमारे टीम लीडर थे, लेकिन हम इस युद्ध में अब पीछे नहीं हटेंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। धन्यवाद।